गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार बारोलिया। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के जो आज हम टॉपिक की बात करेंगे वो है मोडम। तो यहाँ पे हम सिंपल ओवरव्यू लेंगे मोडम के बारे में कि मोडम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम फिजिकली मोडम का डायग्राम भी देखेंगे मोडम कैसे होता है। वैसे आपने जो अपने घरों के अंदर जो अब तो खैर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा टेक्नोलॉजी में मोबाइल में हमारी स्पीड तेज आने लगी है, बाकी हम घरों में हम देखते थे कि पहले एक मोडम होता था, उस मोडम के थ्रू हमारे क्या है घर में इंटरनेट आता था। इसके अलावा इसका बेसिक वर्क क्या होता है, तो मोडम की हम जो बेसिक बात करें तो MO का मतलब यहाँ होगा मॉड्यूलेशन और DM का मतलब होगा डीमोडुलेशन। तो इसका अब्रेशन आपका हो जाएगा मॉड्यूलेशन एंड डीमोडुलेशन। इसके बाद में मोडम का इंट्रोडक्शन देखें। ए मोडम मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर इज ए डिवाइस। तो ये डिवाइस होगी, फिजिकल डिवाइस होगी आपकी। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिटेड डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। तो डेटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर कम्युनिकेशन में हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि जो हम डेटा है उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से भेजते हैं कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। कम्युनिकेट इक्विपमेंट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर थ्रू टेलीफोन लाइन्स। और जो आपके कम्युनिकेट इक्विपमेंट है तो वो क्या होगा कि जो बड़ी जगह पे हमें डेटा भेजना होता है, जैसे मेरे को यहाँ से दिल्ली डेटा भेजना है तो हम क्या टेलीफोन लाइन्स के थ्रू डेटा भेजते हैं। हम बात करें यहाँ पे वायर टू वाले कम्युनिकेशन की, गाइडेड मीडिया की। ए पेयर ऑफ मोडम आर नीडेड टू कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमें एक पेयर चाहिए होगा मोडम का कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं मोडम का डायग्राम, ये आपका मोडम होता है। तो जैसे आप ये राउटर है, इससे लैपटॉप भी जुड़ा हुआ, आपके गेमिंग डिवाइस भी है, पीसी भी जुड़ा हुआ है, ये पीसी भी जुड़ा हुआ है। और राउटर से आपका क्या है केबल के थ्रू मोडम, पहले मोडम जुड़ा होता है, मोडम से आप क्या इंटरनेट यहाँ पे प्राप्त कर ले। तो डायग्राम में आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप लोग दिमाग में याद रहे कि मोडम कैसा होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर थ्रू द एग्जिटेड टेलीफोन केबल्स। तो आपकी जैसे टेलीफोन की केबल्स आ रही है वो पहले यहाँ पे मोडम में आएगी, तो जब यहाँ से ये डेटा यहाँ पे आएगा तो ये आपके हमेशा एनालॉग फॉर्म में आएगा, मतलब मॉड्यूलेट होकर आएगा। तब जब आप इसको यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में करेंगे तो 011 करके आप यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाएगा। तो एक साइड में आप भी जब भी आप रिसीव करोगे इंटरनेट तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे मोडम की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कम्युनिकेशन थ्रू मोडम। तो मोडम के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन करेंगे अपन, तो आप यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जो भी आउटपुट आपका आएगा वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में आएगा, डिजिटल फॉर्म से आपका डेटा मोडम में जाएगा, मोडम उसको कन्वर्ट कर देगा, किस फॉर्म में कर देगा एनालॉग डेटा कर देगा, जो कि आपके फ़ोन लाइन्स के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और यहाँ पे इंटरनेट से आप जाके जुड़ जाएगा। तो एग्जैक्टली बेसिक यहाँ पे काम क्या हो रहा है आपका डेटा कम्युनिकेशन के रेफरेंस में, आपका मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल किया जा रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। द डिजिटल डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग डेटा बाय द मोडम एंड आर ट्रांसमिटेड ऑन द टेलीफोन लाइन। तो डिजिटल डेटा होगा उसको कन्वर्ट करके एनालॉग डेटा में टेलीफोन लाइन में भेजने के लिए मोडम की आवश्यकता पड़ती है। द एनालॉग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द टेलीफोन लाइन इज कन्वर्टेड टू डिजिटल बाय द मोडम एंड गिवन इनटू द कंप्यूटर। तो इसका वाइस वर्सा भी होगा, जब आपके पास डेटा एनालॉग फॉर्म में आएगा तो मोडल जो आपका मोडम होगा उसको तब सबसे पहले कन्वर्ट कर देगा उसको डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कंप्यूटर दे देगा। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इधर भी आपका कंप्यूटर है, जैसे ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, या ये भी सेंडर हो सकता है रिसीवर हो सकता है, कि दोनों साइड में आपके कंप्यूटर जुड़े हैं। तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नल इससे आउटपुट आया आपका, तो आपका मोडम फर्स्ट यहाँ पे होगा, वो क्या करेगा मॉड्यूलेशन सर्किट और डीमोडुलेशन सर्किट दो यहाँ पे होंगे, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग फॉर्म में। ये आपके टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर आप आगे ये एनालॉग फॉर्म में डेटा मोडम टू के पास आएगा, उसके बाद डेटा एनालॉग फॉर्म में आएगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में और ये कंप्यूटर के पास आ जाएगा। सेम केस अपनी इधर से देखेंगे, यहाँ से आपका जो डेटा है वो आपका डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे फिर आपका जो मॉड्यूलेशन सर्किट मोडम होगा वो आपको इसको एनालॉग सिग्नल करेगा और एनालॉग के बाद में यहाँ पे इसको डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट कर देगा। तो ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली याद रखना है एग्जाम पर्पज से। डेटा पंप एंड सिग्नल प्रोसेसर। दिस यूनिट रिसीव सीरियल डेटा एंड गिव इट टू द मॉड्यूलेटर। तो जो डेटा आपको मिलता है वो सीरियल फॉर्म में मिलता है। इट रिसीव डीमोडुलेटेड डेटा फ्रॉम द डीमोडुलेटर एंड गिव इट टू द मोडम प्रोसेसर। तो डीमोडुलेटेड डेटा मिलता है इसको और वो मोडम प्रोसेसर को दे देता है। दिस इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड मोडम थ्रू सीरियल पोर्ट यूजिंग स्टैंडर्ड RS-232C।
यूज इन एक्सटर्नल मोडम फॉर बिट कन्वर्जन। तो बिट कन्वर्जन के लिए इसको इसमें काम में लिया जाता है। और जो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोर्ट काम में लिया जाता है सीरियल पोर्ट, वो है RS-232C। तो ये आपके जो पीछे आप लोगों ने देखा होगा केबल वाला जो डेटा होता है जिससे आपका नेट आता है, वो वाला ये पोर्ट होता है। पहले हम देखते हैं मॉड्यूलेटर। दिस इज यूनिटी यूज टू कन्वर्ट द डिजिटल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग डेटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो मॉड्यूलेटर होगा वो आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो ये प्रोसेस आपकी मॉड्यूलेशन कहलाएगी। दिस इज डन बाई एडिंग ए कैरियर सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल। तो ये डिजिटल सिग्नल के साथ ये कैरियर सिग्नल लगा देगा, तो ये इसको मॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट का मतलब होता है एनहांस करना, तो एनहांस करना या फिर आप उसको एक प्रकार से कह सकते हैं उसको थोड़ा कैरियर करते हुए मतलब बढ़ा देना, ये टर्म आप इसमें यूज ले सकते हैं। दिस यूनिट इज यूज टू कन्वर्ट द डिजिटल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग डेटा। तो आपको ये चीज़ स्पेशली याद रखनी है कि मॉड्यूलेटर क्या करेगा और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा। तो मॉड्यूलेटर का आपका याद करने का सिंपल सा एक टेक्निक है यहाँ पे MDA, आपको ये याद रखना है। MDA मीन्स मॉड्यूलेटर डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा। तो और डीमॉड्यूलेटर का इसका ऑटोमेटिक आपको याद में हो जाएगा। तो ये आपका जैसे डेटा आ रहा है यहाँ पे, तो MDA मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग। तो आपका यहाँ पे डिजिटल डेटा आ रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ यूज में लिया जाएगा और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग डेटा में। इसके बाद में आता है आपका डीमॉड्यूलेटर। दिस यूनिट इज यूज टू कन्वर्ट द एनालॉग डेटा फ्रॉम द टेलीफोन सिस्टम इनटू डिजिटल डेटा। दिस इज डन बाय द एलिमिनेटिंग द कैरियर सिग्नल फ्रॉम एनालॉग सिग्नल। तो आपका यहाँ पे एनालॉग डेटा है, इसका डीमॉड्यूलेशन होगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल सिग्नल में। तो वहाँ पे तो मॉड्यूलेशन में तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसके कैरियर सिग्नल अटैच कर रहे थे और यहाँ कैरियर सिग्नल को रिमूव कर रहे हैं। फोन इंटरफेस, कनेक्ट मॉडम विद द फोन सॉकेट, डायल अंबर फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन, डिटेक्ट द इनकमिंग रिंग सिग्नल, कनेक्ट स्पीकर फॉर गिविंग वॉइस इंफॉर्मेशन, रिंग टोन, डेटा टोन, एंगेज टोन, etc। तो ये जो खैर अभी टेक्निक थोड़ी चेंज हो गई है, अब आप स्विच राउटर डायरेक्ट यूज में लेने लगे फ़ोन से। पहले टेलीफोन लाइन से जब हम इंटरनेट चलाते थे तो हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसको हम क्या करते थे, इसका जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था, कनेक्ट मॉडेम विद फोन सॉकेट, फोन सॉकेट के साथ मॉडेम कनेक्ट करते थे, डायल अंबर फॉर मैकिंग कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर जो नंबर थे उसको कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या करते डायल करते थे, डिटेक्ट द इनकमिंग रिंग सिग्नल उसको डिटेक्ट करते थे, और कनेक्ट टू स्पीकर फॉर गोइंग वॉइस इंफॉर्मेशन। या फोन सॉकेट दे सकते हैं, या आपका फ़ोन है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आपके मॉडेम लगा हुआ है, यहाँ से आपने क्या किया इसको फ़ोन कनेक्ट किया, इसके बाद में यहाँ से आपका डेटा जा रहा है, और इसके बाद में ये आपका क्या है यहाँ पे क्या लगा हुआ, आपका ये राउटर लगा हुआ है, इसके थ्रू आप डेटा ले रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते थे मॉडेम के द्वारा। तो टाइप ऑफ मॉडेम, मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, एक्सटर्नल मॉडेम इज सेपरेट डिवाइस एंड इज कीप्ड आउटसाइड द कंप्यूटर। तो जो एक्सटर्नल मॉडेम होगा वो कंप्यूटर के बाहर लगेगा हमेशा। ए 9-pin DP9 और 25-pin सीरियल केबल कनेक्ट द PC सीरियल पोर्ट टू द मॉडेम, थस CPU नीड नॉट बी ओपन ड्यूरिंग मॉडेम इंस्टॉलेशन। तो जब भी आप मॉडेम इंस्टॉल करोगे इसके अंदर, तो आपको CPU को मतलब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 9-pin का होगा ये और 25-pin सीरियल केबल कनेक्ट करती है इसको। एक्सटर्नल मॉडेम अवॉइड हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट सच एज IO एड्रेस लाइन एंड द इंटरप्ट। द एक्सटर्नल मॉडेम सेटअप इज फास्ट एंड ईजियर देन इंटरनल मॉडेम। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या होगा, हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब आपका कौन सा पोर्ट कहाँ पे काम आए इसकी आपका जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इसको लाके अटैच कर दोगे कंप्यूटर के साथ। ये एक्सटर्नल मॉडेम का डायग्राम है, 9-pin सीरियल पोर्ट आपका, NVRAM कंट्रोलर, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, टेलीफोन इंटरफेस, स्पीकर और टेलीफोन लाइन कनेक्टर, RJ11 यहाँ पे टेलीफोन लाइन कनेक्टर से हम कनेक्ट कर देंगे। ये आप इसका हार्डवेयर देख सकते हो, ये वाला ये आपका मॉडेम का हार्डवेयर जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है। इंटरनल मॉडेम क्या होगा, इंटरनल मॉडेम इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इज कनेक्टेड इनसाइड सिस्टम। तो जो इंटरनल मॉडेम होगा वो आपके सिस्टम के अंदर ही होगा, पार्ट होगा इसका इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम द प्लग्स डायरेक्ट इनटू PCI और ISA एक्सटर्नल एक्सपेंशन स्लॉट। मॉडेम कंटेंट इट ओन सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर UART। मॉड्यूलर कन्वर्ट डिजिटल डेटा फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू RJ11 जैक। तो ये क्या है कि इनबिल्ट होगा आपके कंप्यूटर के अंदर ही। ऑन रिसीवर साइड रिसीव द एनालॉग सिग्नल एंड पास देम द डिजिटल कन्वर्ट सिग्नल एंड टू UART। तो यहाँ आपका डेटा ट्रांसमिट होगा RJ11 जैक के थ्रू
और यहाँ पे यूआरटी के द्वारा इट देन कन्वर्ट सीरियल बिट इनटू पैरेलल बाइट। यहाँ आप इंटरनल मॉडम का डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस डिकोडर। आपको इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए मॉडम इंटरनल कौन सा होता है, एक्सटर्नल कौन सा होता है। इंस्टॉलिंग कैसे करेंगे, स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड कनेक्ट द मॉडम, द कंप्यूटर स्विच ऑन इट डिटेक्ट द मॉडम एंड डिस्प्ले न्यू हार्डवेयर फाउंड डायलॉग बॉक्स इंसर्ट द इंस्टॉलेशन सीडी। तो सिंपल सा टेक्निक होती थी मॉडम को इंस्टॉल करने के लिए, आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना था, मॉडम कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है, वो मॉडम को ऑटोमेटिक डिस्प्ले कर देगा कि न्यू हार्डवेयर आपके हो गया, उसके बाद में आपको सीडी से हैं उसको इंस्टॉल करना है। आफ्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन क्लोज द विंडोज एंड स्टार्ट द कंप्यूटर। उसके बाद में क्या करेंगे, विंडो को यहाँ पे वो रिस्टार्ट करेंगे। टैच द मॉडम बाय द फोन डायलर ऑप्शन गिव इन द एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज से हम इसको चेक करेंगे। आपने देखा होगा जब भी आप नेटवर्क की सेटिंग जाते हो तो आपने देखा होगा डायलअप कनेक्शन का ऑप्शन आता है, जो डायलअप का कनेक्शन पहले मॉडम के लिए यूज में लिया जाता था। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोगों ने मॉडम के बारे में देखा, नेक्स्ट में हम लोग जो भी आगे का टॉपिक उस बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।